हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे एक फ्रेश ब्लॉग में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो गाइस, अभी हम हैं कनक चौरी में और आज हम जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कार्तिक स्वामी मंदिर। यहां से कार्तिक स्वामी मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है। तो आज हम आपको दिखाएंगे पूरा ट्रैक कि कनक चौरी से कार्तिक स्वामी मंदिर की दूरी जो 3 किलोमीटर का यह ट्रैक है वो आपको आज हम पूरा दिखाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, तो लेट्स गो। हो गया भाग दिप हो गया 1 2 3 इधर सारे निकले गए धूप निकलने के बाद चल के गए। ये समझ लो कम से कम 1 महीना हो गया महीने से नहीं दिख रही। अच्छा, महीने से नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे, आज दिख रहे हैं। और यहाँ से अभी सनराइज होगा और सामने देख सकते हैं आप चौखंबा पर्वत सामने दिखता हुआ। दोस्तों, अभी बज चुके हैं 5:30 और हम निकल चुके हैं अपने ट्रैक पे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कार्तिक स्वामी मंदिर और मैं सामने आपको दिखाता हूँ चौखंबा पर्वत। नहीं देख सकते हैं आप चौखंबा पर्वत और सुबह का मौसम, कोयल की मधुर आवाज़ के साथ। और हमारे साथ हमारे मित्र आगे बढ़ते हुए नेगी जी। कुछ इस प्रकार का रास्ता है कार्तिक स्वामी मंदिर को जाने के लिए और खुशनुमा मौसम देख सकते हैं और अभी धूप भी निकलनी नहीं है अभी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी सनराइज़ हुआ, बहुत ही खूबसूरत हाथी पर्वत जो सामने दिखता हुआ, वहाँ से अभी सनराइज़ का बहुत ही बृहंगम दृश्य हम आपको आज दिखाएंगे। और कुछ इस प्रकार का यह ट्रैक, सुबह सुबह का मौसम, सुबह के बज चुके हैं 6 और हम निकले थे अपने ट्रैक पर 5:30 बजे। कोयल की मधुर आवाज़ और चिड़ियाँ चहचाती हुई आपको इन्हीं ट्रैकों में देखने को मिलेगी। बहुत ही शांति का वातावरण यहाँ पर है और हमारे मित्र आगे से जाते हुए, तो इनका भी एक YouTube चैनल है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। यहाँ पर विश्राम गृह बनाया गया है उत्तराखंड टूरिज्म द्वारा, ये देख सकते हैं आप। यदि आप कार्तिक स्वामी मंदिर आएंगे तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको यह विश्राम गृह मिलेगा जहाँ पर आप खूबसूरत पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं। सामने देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, मेरे जस्ट पीछे वो चोटी देख सकते हैं जहाँ पर कार्तिक स्वामी मंदिर है, तो हमें वहीं जाना है। 3 किलोमीटर का यह ट्रैक और साथ में यदि आप ट्रैक करते हैं तो मैं आपको बता दूँ, यदि आप ट्रैक करते हैं तो आपको एक पानी की बोतल अपने साथ लानी होगी क्योंकि ट्रैक बहुत लंबा है 3 किलोमीटर का और खड़ी चढ़ाई है इसमें, तो इसमें पानी की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और सामने देख सकते हैं आप कार्तिक स्वामी मंदिर दिखता हुआ और यहाँ पर देख सकते हैं आप बुरांस के और बांज के घने जंगल आपको दिखेंगे इस ट्रैक में। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बुरांस के फूल, यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा है, तो यदि आप अकेले आते हैं तो खतरा मोल ना लें, किसी साथी को अपने साथ इस ट्रैक पर लाएं। और इस ट्रैक पर आपको जंगली जानवर भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि यह घना जंगल है, तो सावधानी बरतना बहुत ही आवश्यक है इस ट्रैक पर। तो सामने देख सकते हैं गाइस, सूर्योदय हो चुका है और सामने का पर्वत है हाथी पर्वत और बहुत ही खूबसूरत सुहाना बृहंगम दृश्य सूर्य उदय का आपको देखने को मिल रहा है। और कुछ इस प्रकार का है यह रास्ता कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए जाने के लिए और जगह जगह पर आपको विश्राम गृह भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये सामने देख सकते हैं सूर्योदय हो चुका है, ये देख सकते हैं, और सामने आपको चौखंबा पर्वत दिखता हुआ
यहाँ पर सूरज की किरणें का अलग ही विहंगम दृश्य आपको देखने को मिल रहा है उन पर्वत श्रृंखलाओं का, और सामने सूर्योदय हो चुका है। तो हम अब जल्द से जल्द आपको कार्तिक स्वामी मंदिर ले चलते हैं। और मैं बता दूं, यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ से आपको 360 व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे यदि आप कार्तिक स्वामी मंदिर आते हैं तो। और आप यहाँ पर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से चौपता होते हुए कार्तिक स्वामी मंदिर तक पहुँच सकते हैं, और ये कुछ इस प्रकार का रास्ता देखते हैं आप, ये देख सकते हैं। ये सामने का व्यू देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत, ये देख सकते हैं आप। की ओर जाते हुए, और जो ये ट्रैक है 3 किलोमीटर का, इसमें डाउन का एरिया भी है, और हम अभी यहाँ नीचे की ओर जाते हुए, तो ये देख सकते हैं हम नीचे की ओर जा रहे हैं, फिर ऊपर को चढ़ाई है इसमें, तो हम नीचे की ओर बढ़ते हुए और देख सकते हैं हम अब यहाँ पर एक विश्राम घर है मेरे जस्ट पीछे आपको दिखेगा, तो आप यहाँ पर भी विश्राम कर सकते हैं। फिर से हम अब चढ़ाई वाले ट्रैक पर आ चुके हैं, और ये देख सकते हैं आप, ये है ऊपर की चढ़ाई देख सकते हैं, और यहाँ से सामने का व्यू आपको नज़र आएगा, बहुत ही पर्वत श्रृंखलाएं आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। के जंगलों से गुजरता हुआ यह रास्ता ये देख सकते हैं गाइस, कितना खूबसूरत सुहाना मौसम हुआ है आज। ये देख सकते हैं, और अब यहाँ से आपको सीसी मार्ग होते हुए मंदिर प्रांगण तक आप जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको विश्राम गृह भी आपको मिलेंगे, और सामने दिखता हुआ विश्राम गृह। गाइस अब हम पहुँच चुके हैं ये सामने धर्मशाला दिखता हुआ, और आज हमारे साथ हैं नेगी जी, तो नेगी जी से जानते हैं। नेगी जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। और कैसा लगा आपको यह 2 किलोमीटर का ट्रैक? अभी हम 2 किलोमीटर आ चुके हैं ऊपर, काफ़ी अच्छा ट्रैक है। अगर आप आए तो सिंपल ट्रैक है, कार्तिक स्वामी की बात करें तो काफ़ी महत्व है हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में, और ओवरऑल सिंपल ट्रैक है अगर बात करें। बट हाँ, अपनी वाटर बॉटल ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि रास्ते में कोई पानी की स्रोत नहीं है। और अब अगर धर्मशाला तक का पहुँच जाते तो यहाँ पर आपको पानी मिल जाएगा, बट रास्ते में नहीं मिलेगा। छोटे छोटे विश्राम गृह हैं, आप वहाँ पर को विश्राम कर सकते हैं। हम आपको बोलेंगे कि जल्दी ट्रैक करिए सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे जल्दी करिए, ताकि आप सुंदर सुंदर दृश्य देख सकें। अदरवाइज अगर आप लेट ट्रैक करते हैं तो मॉर्निंग का वो मज़ा नहीं आता है जो मॉर्निंग में आता है, क्योंकि सूरज की किरणों का अलग आपको दिखाई देगा उस टाइम पर। सो यस, ओवरऑल अच्छा ट्रैक है। अब हम चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं, आप जैसे देख सकते हैं पूरा। तो गाइस, तो ये जाना आपने नेगी जी से कि यह ट्रैक कैसा है और इसमें क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी होंगी इस ट्रैक में आने के लिए। देखते हैं मंदिर प्रांगण के लिए यह रास्ता, और इसमें देख सकते हैं आप लोकल यहीं के इसमें पत्थर लगाए गए हैं, और देख सकते हैं आप इनका कलर, और ये रास्ता
आप विश्राम कर सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और ये देख सकते हैं गाइस बहुत ही खूबसूरत यहाँ से पर्वत श्रृंखलाएँ आपको दिखेंगी। और ये देख सकते हैं बड़े बड़े आपको पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ से दिखती हुई। तो गाइस ये देख सकते हैं अभी हम कार्तिक स्वामी मंदिर से आधे किलोमीटर की दूरी पर हैं, और यहाँ पर हम 2 मिनट का विश्राम कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत आपको पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ से दिखेंगी, और मेरे जस्ट पीछे ये देख सकते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं 360 व्यू आपको यहाँ से भी नज़र आएगा, ये देख सकते हैं आप। जय कार्तिक स्वामी। अभी हम कुछ ही देर में मंदिर प्रांगण में पहुंचने वाले हैं, और सामने पर्वत श्रृंखलाएं और थोड़ी धुंध भी लगी हुई है, तो इस वजह से आपको उतनी क्लैरिटी नजर नहीं आई होगी। तो सामने देख सकते हैं कार्तिक स्वामी मंदिर दिखता हुआ, और यहाँ पर भैरवनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। दोस्तों अब हम पहुँचने वाले हैं कार्तिक स्वामी मंदिर, और ये सामने दिखता हुआ कार्तिक स्वामी मंदिर, और यहाँ पर है भैरव जी का मंदिर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो अब हम ले चलते हैं आपको कार्तिक स्वामी मंदिर, और कुछ ही 200 मीटर की दूरी पर यह मंदिर जहाँ पर हम हैं अभी। और ये देख सकते हैं गाइस अब हम पहुँचने वाले हैं कार्तिक स्वामी मंदिर, और आज आपको हम दर्शन कराएंगे कार्तिक स्वामी मंदिर जो रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है। और आप यहाँ पर यदि रुद्रप्रयाग से हैं तो आप चौपता होते हुए आ सकते हैं, और चलते हैं आपको कार्तिक स्वामी मंदिर की ओर। और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से इन सीढ़ियों को चढ़ के आपको कार्तिक स्वामी मंदिर तक जाना होगा। तो ये कुछ इस प्रकार की यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। चुके हैं कार्तिक स्वामी मंदिर, और ये मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं आप, ये है कार्तिक स्वामी मंदिर। हमने 3 किलोमीटर का यह ट्रैक कंप्लीट करके हम कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंच चुके हैं, और यहां से हमने शुरुआत की थी, ये देख सकते हैं यहां से पूरा यह ट्रैक ऊपर की ओर आता हुआ, और ये है कार्तिक स्वामी मंदिर, ये देख सकते हैं आप पूरा मंदिर परिसर। और यह है मंदिर का मुख्य परिसर एरिया, ये देख सकते हैं, और यहाँ पर विराजमान हैं भगवान कार्तिक जी, और ये देख सकते हैं यहाँ पे भोलेनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक जी का यह मंदिर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।